गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पहले हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ हीट के हमें तीन टाइप्स बताए थे। तीन प्रोसेसेस के थ्रू हीट का ट्रांसमिशन होता है, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम आगे पढ़ेंगे इनके एप्लीकेशन, कि ये प्रोसेस के क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन के क्या एप्लीकेशन है देखो। वी नो दैट द हीट एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम हॉट पॉइंट टू ए कोल्ड पॉइंट ड्यू टू कंडक्शन। भी हमने पढ़ा था कि जो हीट एनर्जी है वो ट्रेवल करती है कैसे, गर्म पॉइंट से जो हॉट पॉइंट होता है उससे ठंडे पॉइंट की तरफ, ठीक है। ये क्या है, ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाई कंडक्शन। अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी बता रखी है जिसमें हम इसके जो ट्रांसमिशन को समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, टेक ए फ्लैट आयरन और ए मेटेलिक रूलर, फिक्स थ्री ब्रास पिन विद द हेल्प ऑफ वैक्स, प्लेस द रूलर ऑन द टेबल एज शोन इन फिगर। आपको देखो फिगर देखो, इसमें एक टेबल है, उसके ऊपर एक रूलर लगा रखा है और उसमें क्या है, एक बर्नर लगा रखा है और यहाँ पे आपको तीन ब्रास की पिन अटैच की हुई है। अब यहाँ से गर्म करेंगे तो क्या होगा, पहले नंबर वन वाली पिन गिर जाएगी बिकॉज वो पहले गर्म होगी, उसके बाद सेकेंड एंड देन थर्ड। इस तरह आपको बताया है कि कैसे वो, मतलब कि वन बाय वन, जैसे ये रोड ऊपर वाली रोड गर्म होती जाएगी और धीरे 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 ये पिन गिरती चली जाएंगी। हम इस रोड के एक कोना गर्म करेंगे तो ये पूरी रोड धीरे धीरे गर्म हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ये आपको हीट ऑफ कन्वेक्शन बता रखा है। आगे देखिए, अब है बट ऑल द सॉलिड सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट हीट। लेकिन जो सभी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करते, मतलब अपने अंदर से हीट को नहीं जाने देते हैं। व्हेन यू हीट ए प्लास्टिक स्केल एट वन एंड, हीट विल नॉट ट्रांसमिट टू द अदर एंड। जब हम किसी प्लास्टिक के स्केल को हीट करते हैं एक कोने को, तो हीट क्या है उसमें ट्रांसफ़र नहीं होती, दूसरा कोना उसका गर्म नहीं होता है। द मटीरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो जिस मटीरियल में से हीट ईजिली पास हो जाती है वो क्या कहलाएगा, गुड कंडक्टर, मतलब वो हीट उसके अंदर से आसानी से आ जा सकती है तो वो तो क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब और जिसके अंदर से हीट पास नहीं हो सकती उस, वो क्या कहलाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, लाइक सिल्वर है, कॉपर है, आयरन, एल्यूमिनियम एंड मेटल। ये क्वेश्चन बनता है, आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ से आप लिखना, द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब जिस मटेरियल में से हीट ईजिली पास हो सकती है। और फिर उसके एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड मेटल। आगे देखिए, दोज मटीरियल विच डू नॉट ईजिली अलो हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जिस मटीरियल के अंदर से हीट ईजिली पास नहीं हो सकती वो क्या कहलाते हैं, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर के एग्जाम्पल देखो, वुड, प्लास्टिक, मड, कॉक, कॉटन, वूल, एब्स्टेस, मोस्ट ऑफ द गैसेज एंड लिक्विड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, वो क्या होता है, जल्दी से गर्म नहीं होते हैं, ठीक है। मड है, कीचड़ वगैरह है, कॉटन है, ऊन है, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसके अलावा बहुत सारी जो मोस्ट ऑफ द गैसेज हैं वो भी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। आगे देखिए, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, जिसके अंदर से हीट इजीली पास हो जाए वो क्या होते हैं, कंडक्टर। इंसुलेटर जिसके अंदर से हीट पास ना हो, ठीक है। इफ़ यू हीट वन एंड ऑफ ए स्टील स्पून, ग्लास और ए थिक वायर, द अदर एंड शुड बिकम टू हॉट टू होल्ड। देखो यदि हम किसी, जैसे स्टील की हमने स्पून लिया है या कोई ग्लास लिया है, उसको हम गर्म करते हैं तो उसका दूसरा जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, दूसरा हिस्सा भी उसका गर्म हो जाता है जिस हिस्से से हमने उसको पकड़ रखा है। बट इफ़ यू हीट वन, आगे देखिए, वन हॉट वाटर, यू कैन होल्ड द अदर एंड विदाउट डिस्कम्फर्ट। लेकिन जब हम किसी गर्म पानी को पकड़ते हैं तो उसके के दूसरे सिरे को हम बिना किसी डिस्कम्फर्ट के पकड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पानी, अगर गर्म पानी डालते हैं तो क्या होता है, ग्लास नीचे का गर्म होता है, ऊपर वाला हिस्सा उसका जल्दी से गर्म नहीं होता है। दिस मीन्स दैट ऑल सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट हीट इक्वली वेल। इसका क्या मतलब है कि सभी सब्सटेंस में क्या होता है कि जो हीट होता है वो, मतलब कि अलग अलग तरीके से उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है, इक्वली मतलब उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता हीट एनर्जी। दस सम मटीरियल कंडक्ट हीट क्विकली, कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जिसके अंदर से हीट जल्दी से चली जाती है, कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जिसके अंदर से हीट जल्दी से नहीं हो पाती है पास। सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट वेल आर कॉल्ड गुड कंडक्टर और सिंपली कंडक्टर्स।
देखो जिस सब्सटेंस के अंदर से अभी हमने पढ़ा था कि हीट इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखो, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। अगर आपसे पूछे कि बेस्ट कंडक्टर का एग्जांपल क्या होगा, तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। आगे देखिए, इफ़ यू होल्ड वन एंड ऑफ वुडन स्टिक इन जार, यू कैन होल्ड द अदर एंड टिल द फ्लेम नियर बाई रिच यूअर हैंड। देखो अगर हमने कोई वुडन की स्टिक से पकड़ रखा है जार को, तो उसमें क्या होता है कि हम जब तक उसको पकड़ के रख सकते हैं, जब तक कि वो जो गैस की जो फ्लेम होती है वो हमारे हाथ तक नहीं पहुंच पाए, मतलब वो वुडन की जो स्टिक है वो गर्म नहीं होती है। हीट डज नॉट ट्रेवल क्विकली थ्रू वुड, भी हीट जो है वो वुड के थ्रू क्विकली नहीं जा सकती है, बिकॉज इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वुड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है ना। दस सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट हीट वेल आर कॉल्ड बैड कंडक्टर। इंसुलेटर, पेपर ग्लास, एब्स्ट्रेस, वूल, प्लास्टिक, रबर आर एग्जाम्पल ऑफ बैड कंडक्टर। अभी अभी हमने पीछे बताया था कि बैड कंडक्टर के एग्जाम्पल कौन से हैं और गुड कंडक्टर के एग्जाम्पल, तो इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से याद कर लेना और इसकी जो डेफिनेशन है उसको लिख लेना। आगे देखिए, लिक्विड एंड गैसेज इन जनरल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कि जो लिक्विड एंड गैसेज है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट की पुअर कंडक्टर है। मर्करी इज एन एक्सेप्शन, मर्करी इसका एक अपवाद है, क्योंकि मर्करी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल शो यू वाटर इज ए पुअर कंडक्टर। अब यहाँ पे आपको देखो दो तीन एक्टिविटी दे रखी है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। इसमें आपको बता रखा है कि कैसे भाई हीट के गुड कंडक्टर है, कैसे बैड कंडक्टर है, हीट का कंडक्शन किस प्रकार होता है। इसमें हम जो मेन है वो हम अब स्टडी करेंगे। आगे देखिए, देर आर टू इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। भी यहाँ पे दो जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि जो हीट के कंडक्शन के लिए, वो क्या है, देखो नंबर वन, द टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन कनेक्शन विद ईच अदर, कि जो दो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी कनेक्टेड होने चाहिए एक दूसरे से। सेकंड है, द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट, कि वो जो दो ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन हीट ऑफ कंडक्शन के लिए नेसेसरी है। आगे देखिए, जो कंडक्शन है उसके एप्लीकेशन क्या है, इसके कुछ कॉमन एप्लीकेशन है जो गुड और बैड कंडक्टर के हैं वो देखिए वन बाय वन। कुकिंग यूटेंशियल आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड क्विकली फ्रॉम द फ्लेम टू द फूड। जो कुकिंग के जो बर्तन बनते हैं, यूटेंशियल होते हैं, वो क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, बिकॉज हीट एनर्जी क्या है, मेटल के अंदर ईजिली ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ठीक है। सेकेंड देखो, कूलिंग कोयल ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर आर मेड अप ऑफ कॉपर, इट हेल्प इन फास्ट रिमूवल ऑफ हीट। जैसे कि जो कूलिंग कोयल होते हैं या फिर जो एयर कंडीशनर, जो एसी वगैरह होते हैं और फ्रिज वगैरह होते हैं, उसमें क्या होते हैं, वो किसके बने होते हैं, उसके अंदर कॉपर की वायर्स होती हैं। इट हेल्प इन फास्ट रिमूवल ऑफ हीट, और ये क्या करते हैं, जो हीट का फास्ट रिमूवल करते हैं, मतलब उसको हीट को हटाते हैं, इसलिए वो उसको ठंडा रखते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, कॉपर ट्यूब इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर बिकॉज इट टेक हीट फ्रॉम हॉट वाटर और कूलेंट कमिंग फ्रॉम इंजन। ये जो कॉपर की ट्यूब यूज़ की जाती है ऑटोमोबाइल रेडिएटर के अंदर, ये क्या करते हैं, हीट को लेते हैं और क्या करते हैं, उसके इंजन को कूल करते हैं, ठीक है। फोर्थ देखिए, टी कप्स आर मेड अप ऑफ बोन चाइना विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हमारे जो घरों में हम बेसिकली यूज़ में लेते हैं, जो चाय के कप होते हैं वो चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं, ठीक है, क्यों, बिकॉज वो क्या होते हैं, हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। चाय डालने के बाद अगर हम किसी स्टील के बर्तन में चाय डालते हैं तो क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाती है, और जबकि हम अगर कप में चाय डालते हैं तो कप जल्दी से गर्म नहीं होता है। एक बेसिकली एग्जांपल है जो हम अपने घर में डेली यूज़ में देखते हैं। द हैंडल ऑफ केटल्स, पैन, इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ इंसुलेटर। देखो जो घर में हम चाय के जो कैटली वगैरह यूज़ में लेते हैं या फिर जो कढ़ाई वगैरह यूज़ में लेते हैं, उनमें सब में क्या होता है, जो प्रेस वगैरह होती है, क्या होता है उनमें, कि जो उनको पकड़ने का जो हैंडल होता है वो इंसुलेटर से बने हुए होते हैं, मतलब उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, इसलिए वो गर्म नहीं होते हैं, दे डू नॉट गेट हीटेड, इसलिए वो गर्म नहीं होते हैं। सो वी कैन हैंडल देम ईजिली, इसलिए हम उनको आसानी से उनको पकड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर बिकॉज इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स। भी हम सब क्या करते हैं, सर्दियों के अंदर वूलन क्लॉथ पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छेद होते हैं, दीज आर फिल विद एयर एज एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आपके कोई ड्रेस में छेद होंगे तो उसमें क्या होगा, एयर उसके अंदर पास हो जाती है, और एयर अगर उसमें पास होगी तो एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की बैड कंडक्टर है, इसलिए वूलन क्लॉथ क्या होते हैं,
गर्म रहते हैं, जो अंदर शरीर की जो बॉडी होती है उसको बाहर नहीं निकलने देते। नेक्स्ट देखो, द वॉल एंड द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर हैव टू लेयर विद एन इंसुलेटिंग मटीरियल इन द मिडल, दिस मटीरियल प्रिवेंट कूलनेस टू एक्सेप्ट। जो देखो आपके जो घरों में यूज़ में लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, उसमें क्या होती है, दो लेयर होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मिडल की जो लेयर होती है वो इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई होती है। इंसुलेटिंग मटेरियल की बनने का मतलब क्या है कि उसके अंदर से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। और ये सेम प्रोसेस क्या होता है कि जो फ्लास्क वगैरह होते हैं उसमें और जो गीजर वगैरह जो यूज़ में लिए जाते हैं उसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट देखो, ब्रिक ग्लास एंड मड विच आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट आर यूज इन बिल्डिंग हाउस एक्सेप्शनली इन रूरल एरिया। देखो ब्रिक्स मतलब ईंटें हैं, ईंट ग्लास और जो मड होता है कीचड़ होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, इसलिए इसको बिल्डिंग बनाने के अंदर गाँव के अंदर यूज़ में लिया जाता है। दे कीप हाउस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। अभी क्या करते हैं, आपने देखा होगा पहले घरों में कच्चे मकान बनाते थे, वो क्या होते थे बेसिकली कि गर्मी के टाइम तो वो गर्म रहते थे, नहीं गर्मी के टाइम तो वो ठंडे रखते थे अंदर का टेम्परेचर, और सर्दी के अंदर वो गर्म रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, स्लैब ऑफ आइस आर कवर विद सो डस्ट एंड जूट बैग। आपने देखा होगा जो आइस की जो स्लैब्स होती है पूरी की पूरी पट्टी आती है, उसको क्या करते हैं सो डस्ट से और जूट के जो बैग होते हैं, मतलब बेसिकली गांव में उसको बोरी बोल देते हैं, बोरी से उसको कवर किया जाता है। क्यों किया जाता है, द सो डस्ट एंड जूट बैग कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ पोर्स फिल्ड विद एयर। जो बोरी होती है आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है काफ़ी वो क्या होती है छिदी, मतलब उसके अंदर छेद ही छेद होते हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है उसके अंदर एयर क्या होती है, उसके अंदर एयर चली जाती है और एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर, और एयर क्या करती है इंसुलेटर का काम करती है और वो आइस स्लैब को मेल्ट होने से बचाती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये आपका पीछे क्वेश्चन भी है तो उसके आंसर में आपको यही लिखना है कि जो सार्डस्ट एंड जूट बैग है वो क्या करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पोर्स रखते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक इंसुलेटर की तरह एयर उसमें एक्ट करती है और उस आइस स्लैब को मेल्ट होने से बचाती है। ठीक है, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में हम कन्वेक्शन के एप्लीकेशन एंड रेडिएशन के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।